best business idea to start with the 1 lakh investment under in India. Best business idea to start under the 1 lakh investment in India. वेल्डिंग वर्कशॉप बिजनेस। दोस्तों वेल्डिंग वर्कशॉप बिजनेस के बारे में तो आप सभी को पता ही है लगभग, लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि आप साल में कभी भी कोई भी बिजनेस स्टेशन पे जाइए, जैसे कि कोई दुकान में जाइए, तो कभी कोई भी दुकान में कभी ना कभी साल में मंदी का वातावरण देखा जाता है, जहाँ पर लोग थोड़ा सा मंदी महसूस करते हैं। लेकिन वेल्डिंग वर्कशॉप जो है उसमें आप कभी भी जाइए, आपको तुरंत कोई काम करके नहीं मिलेगा, उसमें आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि काम का लोड ही इतना है कि वेल्डिंग के उसमें आपका इतना इजीली नंबर नहीं लगता है। और वेल्डिंग जो है हर सेक्टर की ज़रूरत है, हर सेक्टर की ज़रूरत है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, घर बनाना है, या तो कोई व्हीकल है, हर चीज़ में वेल्डिंग का कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता ही है। तो यहाँ पे जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं 1 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट वाला अकेले से किया जाने वाला बिजनेस है, तो भले ही आप साथ में कोई एक्स्ट्रा लेबर रख सकते हैं आपके हाथ के नीचे काम करने के लिए, महीने में 30,000 तक कमा सकते हैं। तो यही बिजनेस अगर आप लार्ज स्केल में करना चाहते हो, 25-30 लाख इन्वेस्टमेंट करके, तो उसमें भी कर सकते हैं, इसमें ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं और महीने में आप 2 से 2.5 लाख भी कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस अभी फिलहाल में 1 लाख के अंडर इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। कच्चा माल जो है वेल्डिंग रॉड्स, एंगल्स, पाइप, लोहे की शीट्स, लोहे की पट्टियाँ इत्यादि लगेगा। मशीनरी जो है वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन, एंगल, पाइप, वेल्डिंग मशीन, ये मशीन लगेंगे। मार्केट, अब मार्केट का मेन यह है कि वेल्डिंग मशीन वाले को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, किराए को लोग ही उसको ढूंढ के ऑर्डर देते हैं कि हमें ये बना के दीजिए, हमें वो बना के दीजिए। आपको उनकी रिक्वेस्ट सबमिट करना, मतलब कंप्लीट करना होता है। तो इस बिजनेस में आप सालाना 2 से 3 लाख कमा सकते हैं। लागत जो है 1 लाख रुपया है। जमीन जो है 300 चौरस फुट एरिया चाहिए। बांधकाम 200 चौरस फुट चाहिए। बांधकाम कच्चा भी चलता है, टीन शेड वगैरह। मजदूर जो है तो कुशल एक मतलब हेल्पर लगेगा, एक मेन मजदूर लगेगा। सभी मशीनरी लगभग इसमें 90,000 के आसपास आती है और 10,000 रुपये कच्चा मजदूरी के लिए रखते हैं। तो जहाँ से आप ये मशीनरी लेंगे वही आपको उसका प्रशिक्षण देंगे, उसे किस प्रकार से चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है। जिला उद्योग विकास के अंदर से बिजनेस के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, उसके लिए आप जिला उद्योग विकास विभाग संपर्क कीजिए। या तो मुद्रा लोन के अनुसार भी आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, लगभग 70% लोन उसमें आप ले सकते हैं, तो उसके लिए नेशनलाइज बैंक से संपर्क कीजिए। ये वेल्डिंग मशीन है, उससे वेल्डिंग का काम होता है। ये वेल्डिंग के वर्क्स है, वेल्डिंग के जैसे कि पतवा होगा, एंगल होगा, पाइप है, डी पाइप है, इसे कट करने के लिए ग्राइंडर मशीन है, उसे कटर भी बोलते हैं। ये पाइप बेंड करने का मशीन है। वेल्डिंग करते समय बहुत समय आपको बेंड करने की जरूरत गिरती है पाइप, तो ये इस मशीन के माध्यम से आप उसे बेंड कर सकते हैं। तो ये एंगल बेंड करने का मशीन है, उस मशीन से आप एंगल बेंड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। अब इस उद्योग के अंदर से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो जैसे कि आप लोहे का फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल बाक्स बना सकते हैं, जो कंपाउंड की जो जाली रहती है घर के वो बना सकते हैं, खिड़की की जो ग्रिल रहती है वो बना सकते हैं, गैलरी का जो ग्रिल है ये बना सकते हैं, कंपाउंड का जो फैक्चिंग गेट आता है फैक्चिंग गेट बना सकते हैं, जीना का जो साइड वाल आता है साइड वाल बना सकते हैं, यहाँ तो कंपाउंड का जो मेन गेट आता है वो मेन गेट बना सकते हैं। मतलब वेल्डिंग का रिलेटेड कोई भी काम उसके अंदर से आप कर सकते हैं। तो वेल्डिंग ही एक ऐसा बिजनेस है तो इसमें कभी भी जा काम करने रहता है, काम लगे उतना पड़ा रहता है। खाली जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, यही इसका सिंपल फार्मूला है। और 1 लाख से आप बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं, फिर आगे डिपेंड करता है कि आपको उसको कितना बढ़ाना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आशा करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए और हमारा चैनल फिर में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके।
यह बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके ऊपर उपलब्ध है हिंदी भाषा में, आप उसे जरूर देखिए। और उसी प्रकार आप सभी का वीडियो देखने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।